दोस्तों, मोहन जोशी से तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे, जिन्होंने बॉलीवुड में कई नकारात्मक किरदार करके अपने खास पहचान बनाई। इनके किरदारों को दर्शक आज भी भूल नहीं पाए हैं। आज भी दर्शक के जहन में इनके वो सभी किरदार ताजा हैं, तो वहीं एक कन्नड़, मराठी, तेलुगु जैसी फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं अपने दौर के मशहूर खलनायक रह चुके मोहन जोशी आज कहाँ हैं, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं? आप ये बातें सभी जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के एंड तक बने रहें, और साथ ही मोहन जोशी के दमदार अभिनय के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, मोहन जोशी का जन्म 12 जुलाई 1953 को बेंगलुरु में हुआ। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु में ही की, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए मुंबई आ गए। लेकिन यहाँ इनका मन पढ़ाई में ना लगकर अभिनय की ओर आकर्षित हुआ। इन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर बनाने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले उनका करियर बनता, उससे पहले ही इनकी शादी ज्योति जोशी से करा दी गई। हालांकि इन्होंने बॉलीवुड में करियर बनाने का फैसला नहीं बदला था और वे कई सालों तक थिएटर में अभिनय करते रहे। इसके बाद इनको मराठी फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिल गया, जहां इनको एक खास पहचान मिली। इसके अलावा ये कई तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में नजर आ चुके हैं। तो वहीं इनको बॉलीवुड करियर की शुरुआत हुई फिल्म मृत्युदंड से, जो कि उस समय काफी ज्यादा सुपर डुपर हिट हुई। उसके बाद उनको गुंडा, वास्तव, इश्क, ये है इंडिया जैसी और भी कई फिल्मों में देखा गया। तो वहीं बॉलीवुड फिल्म गंगाजल में इनको एक खास पहचान मिली, जिसको डायरेक्ट किया प्रकाश झा ने। इस फिल्म में इन्होंने साधु यादव की भूमिका अदा की थी, जिसके लिए इनको कई पुरस्कारों से नवाजा गया। अपने करियर के दौरान इन्होंने कई फिल्मों में बतौर खलनायक काम किया, जिसकी वजह से ये अपनी खास पहचान बनाने में कामयाब हो गए। मोहन जोशी आज 66 साल के हो चुके हैं, लेकिन बॉलीवुड फिल्मों में इनका रुझान आज भी देखा जा सकता है। ये आज भी कई फिल्मों में नजर आ जाते हैं और समय के साथ साथ ये काफी बदल भी चुके हैं, जो कि आज की तस्वीरों में इन्हें देखा जा सकता है। दोस्तों, आप सभी को मोहन जोशी की कौन सी फिल्म बेहद पसंद है, आप हमें कमेंट करके कमेंट में बताइए। और बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए ना।